हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बना रहा हूँ वेजिटेबल उपमा। वेज उपमा रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है जल्दी से। नाश्ते के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है। यहाँ मैं रवा ले रहा हूँ, जो सूजी होती है। ये 500 ग्राम का पैकेट है, मतलब आधा किलो का, तो इसका आधा मैं लूँगा। 250 ग्राम रवा मैं एक कढ़ाई में डाल लूँगा। ये जो रवा है, ये नॉर्मल वाला रवा है, तो आपको नॉर्मल वाला जो रवा होता है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, मीडियम वाला रवा लिया है मैंने यहाँ पर। और इसे एकदम मंदी आंच पे भूनना है लगभग 15 मिनट तक। तो फ्लेम को आप एकदम स्विच ऑन कर लीजिए और लो फ्लेम पे रखना है एकदम इसको। इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना है तो जल जाएगा। इसको एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना है। लो फ्लेम पे 15 मिनट तक भुन गया है। मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में और साइड में रख दिया है। भुना हुआ रवा रेडी है। अब उसी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल गर्म करना है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं उपमे में, मैंने कम डाला है। अब इसमें आधा टीस्पून राई डालनी है, मस्टर्ड सीड्स, और आधा टीस्पून हींग पाउडर डालना है। इसमें हींग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। राई क्रैकल होने लगी है तो उसके बाद इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च डाल देता हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 10 से 12 कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। आधा टेबल स्पून कटा हुआ अदरक और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मतलब 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और इसमें ऐड कर दिया। अब इसे 10 सेकंड फ्राई करना है, फ्लेम को हाई रखना है। इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डालनी है। प्याज को भूनना है मीडियम फ्लेम पे, मतलब तेल एकदम तेज़ गर्म है। कड़ी पत्ते के फ्लेवर आ चुके हैं, अदरक के, हरी मिर्च के, लाल मिर्च के, राई, हींग, सबके फ्लेवर इसमें आ चुके हैं जब तड़का हमने मारा था। अब इसमें प्याज डाल के प्याज को 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ट्रांसलूसेंट करना है प्याज को, ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसके बाद इसमें आधा कप हरी मटर, जो सर्दी में मिलती है, वही हरी मटर मैंने डाल लिया। आप फ्रोजन भी ले सकते हैं इसमें मटर, तो हरी मटर डाल के इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें बारीक कटी हुई गाजर, ये 1 कप बारीक कटी हुई गाजर है। आप अगर गाजर कम खाते हैं तो आप कम डालें, बट बहुत फ़ायदेमंद होती है गाजर। गाजर डाल के इसको 2 मिनट अच्छे से सौटे कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें नमक मैंने डाल लिया है, नमक से सब्जियाँ जल्दी गल जाएंगी। नमक डाल के मिक्स करके इसमें जो भुना हुआ रवा था वो ऐड कर दिया। अब इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। रवे को पहले भून लें जैसे मैंने किया है, नहीं तो डायरेक्टली रवे को डाल के फिर भी भून सकते हैं, बट पहले वाला जो तरीका जो मैंने यूज़ किया है वो ज़्यादा अमेजिंग है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही होता है और जहाँ बाहर उपमा खाते हैं ऐसे ही बनता है। तो इस रवे को डाल के 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों के साथ, मसालों के साथ, और फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें 3 ग्लास पानी डाल रहा हूँ मैं, याद रखना 250 ग्राम रवा लिया था तो 3 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ, और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। पानी को अच्छे से स्टिर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रवे में लम्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही आप पानी डालें उसको अच्छे से घुमाएं तेज़ी से, मतलब इतना भी तेज़ नहीं, मतलब उसको धीरे धीरे आप घुमाएं। और इसमें थोड़ी सी मैं चीनी डाल रहा हूँ और थोड़ा सा गर्म मसाला, आधा टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, और इसे स्टिर करना है गोल गोल डायरेक्शन में, इसे स्टिर करना है जिससे लम्स फॉर्म ना हो। एक बार ये अच्छे से स्टिर हो जाए, बस इसे 6 से 7 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इसे ढक देता हूँ मैं, ढक के इसे 4 से 5 मिनट पकाना है, तो उससे ये फूल जाएगा अच्छे से। आप देख सकते हैं ढकने के बाद ये अच्छे से फूल चुका है। रवा अच्छे से बुनता है तो एकदम अच्छे से फूल जाता है। तो बस 2-3 मिनट और, मतलब टोटल टाइम 6 से 7 मिनट पानी डालने के बाद इसे पकाना है। 7 मिनट पकाने के बाद इसका पानी अब ड्राई हो गया है, और एकदम ड्राई नहीं करना है, हल्का सा गीलापन होना चाहिए उपमे में, नहीं तो एकदम ड्राई ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये रेडी है मिक्स वेज उपमा, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। आप इसे बना के ट्राई ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर लौटूंगा एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।